स्टूडेंट्स वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास. टुडेज अवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो बच्चे टिल नाउ 100 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. तो आज तक जो हैं वो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं. बट टू स्टडी ईच एलिमेंट सेपरेटली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. अब एक एक एलिमेंट को अगर हमने सेपरेटली स्टडी करना हो तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा. So to make this difficult task easier and less time consuming, systematic efforts were made. तो इस टास्क को ईजी करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए सिस्टमेटिक एफर्ट्स के साथ ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है. क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं उनको एक ग्रुप में उनकी ग्रुपिंग कर देना. तो प्रेजेंटली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको फॉलो कर रही हैं एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए. दिस क्लासिफिकेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और ये जो क्लासिफिकेशन मेथड है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है. ये लॉ हमें क्या बताता है. दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर. कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होती हैं. सो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो बच्चे 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18. सो हियर इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स दैट इज़ फ्रॉम 1 to 18. दीज 1 to 18 वर्टिकल कॉलम्स दे आर कॉल्ड ग्रुप्स. 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7. और ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं. सो दीज आर द ग्रुप्स. ग्रुप कितने हैं, 1 से लेके 18 तक. और पीरियड कितने हैं, 1 to 7. हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप और पीरियड शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज और दे शो आर रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज. तो जो एलिमेंट सेम ग्रुप या पीरियड में हमने उनको ग्रुप किया होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं या फिर वो रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ में. रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है कि सपोज़ अगर हम अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. तो ये मतलब है कि जो जब हम ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं तो वो हमें रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो बताता है प्रॉपर्टीज़ में. दिस इज़ कॉल्ड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़. और इसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़. असाइनिंग ग्रुप एंड पीरियड टू एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब हमने बात करनी है कि हम कैसे किसी एलिमेंट को असाइन करते हैं, उसको ग्रुप कैसे देते हैं और पीरियड कैसे देते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप नंबर की. अगर सपोज ग्रुप नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 से लेकर 3 तक हैं तो उसका ग्रुप नंबर भी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बट इफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फ्रॉम 4 to 8 देन वी एड 10. हम 10 प्लस कर देंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सोडियम एटम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1. तो ग्रुप नंबर भी कितना होगा, 1. हेयर सोडियम देखो 1 ग्रुप में. अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1. तो उसका भी ग्रुप नंबर कितना है, 1. लिथियम के लिए भी 1. सो ग्रुप नंबर इज़ 1. नेक्स्ट इज वैलेंस शेल. अब कितने शेल हैं टोटल इसमें, 1, 2 एंड 3, ठीक है. तो थर्ड शेल दैट इज 3 शेल आर ऑक्यूपाइड. तो पीरियड नंबर कितना हो गया, 3. जितने भी शेल ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जो एलिमेंट है उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, वो उसका पीरियड नंबर हो जाएगा. जैसे कि क्लोरीन. अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7. शेल्स कितने हो गए, 1, 2, 3. तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका.
ठीक है। और जो ग्रुप नंबर है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, मतलब कि 3 से ज़्यादा हैं, तो हम 10 प्लस कर देंगे, 10 प्लस 7 कितना हो गया, 17, तो 17 इसका आ गया ग्रुप, और पीरियड कितना आ गया इसका, 3rd, क्योंकि इसके कितने शेल हैं, टोटल 3 शेल्स। सो दिस इज़ अबाउट द असाइनिंग ग्रुप एंड पीरियड टू एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इन द नेक्स्ट टेबल दैट इज 4.7, the symbols of the first 20 elements with their atomic number, electronic configuration, group number, period number and its valency, they are given. Study this table, this is very important. So with this chapter is finished. Thank you students.